नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Mi 10T Pro वर्सेस Vivo V20 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Mi 10T Pro में 6.5 इंच जबकि Vivo V20 Pro में 6.25 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Mi 10T Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Mi 10T Pro में 3.01 इंच जबकि Vivo V20 Pro में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Mi 10T Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Mi 10T Pro में 0.37 इंच जबकि Vivo V20 Pro में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Mi 10T Pro में 218 ग्राम जबकि Vivo V20 Pro में 170 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Mi 10T Pro में IPS LCD जबकि Vivo V20 Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Mi 10T Pro में 6.67 इंचेस जबकि Vivo V20 Pro में 6.44 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Mi 10T Pro में 85.15% जबकि Vivo V20 Pro में 84.98% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Mi 10T Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo V20 Pro में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Mi 10T Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo V20 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Mi 10T Pro में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo V20 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Mi 10T Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 10 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Vivo V20 Pro में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Mi 10T Pro में Adreno 650 जबकि Vivo V20 Pro में Adreno 620 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Mi 10T Pro में Qualcomm Snapdragon 865 और Vivo V20 Pro में Qualcomm Snapdragon 765G मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी Mi 10T Pro में 5000 mAh जबकि Vivo V20 Pro में 4000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Mi 10T Pro में 3 कलर्स जबकि Vivo V20 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Mi 10T Pro 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 34,930 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Vivo V20 Pro की तो वो 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 29,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Vivo V20 Pro आगे है, मेन कैमरा में Mi 10T Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में Vivo V20 Pro आगे है, परफॉर्मेंस में Mi 10T Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 8T है जो कि 38,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy S20 Fe है जो कि 37,990 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Mi 10T है जो कि 28,960 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें LG Velvet है जो कि 32,990 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।